नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन वैकेंसीज की खबर आपके सामने देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी जो है आने वाली है, ये आपके लिए कितनी ज्यादा लाभप्रद होने वाली है, इस पर हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अभी इससे पहले आप उत्तर प्रदेश की तमाम वैकेंसीज की बात करें, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के 60,244 पदों पर बात करें, री एग्जाम के बाद देखा जाए तो दोबारा फिर से नियमावली अपडेट हो रही। नियमावली अपडेट करने का मतलब ये होगा फिर से पूरा जो शासनादेश आया है वैकेंसीज को कराने के लिए, भर्ती को कराने के लिए, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, इससे ये देखने को मिल रहा है। भले थोड़ा लेट अतिपा होगा, लेकिन जो इस बार पेपर होगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। और साथ में ही योगी जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब वैकेंसीज भरपूर आपको देंगे, तो ये वो मौका है कि आप अच्छे से पढ़ लो और आप एक ना एक पद अपने नाम पे कर लो। एक नया पद जो नई भर्ती की बात किया जाए, 42,000 से ज्यादा होमगार्ड की बात करेंगे, 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती। ये एक नई खबर निकल के आ रही है, नई न्यूज निकल के आ रही है, और ये अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा इसमें आज न्यूज़पेपर पूरा टहल रहा है, वायरल हो रहा है, और आपकी नजर इस पर जरूर पड़ी होगी। सीएम ने होमगार्ड को एक ही आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने का भी दिया निर्देश। एक नई नियमावली बनेगी, इन्होंने ये बोला कि 2 चरणों में होगी भर्ती परीक्षा। हालांकि इसमें जो दिया हुआ है 21,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती करने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई करेंगे, मतलब 42,000 टोटल है, तो एक चरण में 21,000 होंगे, फिर अगले चरण में फिर 21,000 टोटल, 21-21 के 2 चरणों में परीक्षा होनी है, 42,000 होमगार्ड की नियुक्ति होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होमगार्ड की नई नोटिस तो आ गई, नई भर्ती तो आ गई, लेकिन इससे पहले कभी होमगार्ड का तो सीधी भर्ती कभी हुई नहीं, और अगर सीधी भर्ती नहीं हुई तो किस आधार पे यहाँ पे चयन ले सकते हैं? अगर लिखित परीक्षा नहीं है तो फिर आखिर क्या हमें रनिंग करना होगा, क्या हमारा फिजिकल किस प्रकार से होता है, या किस प्रकार से हमारे मार्क्स बनते हैं, ज्वाइनिंग किस प्रकार से होती है, इसमें आप बोल सकते हो कि जो सैलरी होती है सैलरी किस प्रकार से दिया जाता है, क्या ये परमानेंट होता है या परमानेंट नहीं होता है, इन सारी चीजों पर हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप पूरे खबर को पढ़ोगे तो युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने हजारों होमगार्ड के सेवानिवृत्ति होने के चलते भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। इसके साथ ही होमगार्ड को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का भी निर्देश दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो यहाँ पे एक स्वयं सेवक, और बात किया जाए तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे हैं, आपदा मित्र के बारे में। तो आपदा मित्र का पहले ही प्रोविजन है। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे होमगार्ड होंगे उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए कि वो क्या हो, वो आपदा मित्र की तरह भी क्या किया जाए, प्रयोग में लाया जाए। होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और आपदा काल की स्थिति में होमगार्ड के स्वयं सेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयं सेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सीएम ने फिटनेस के मद्देनजर साप्ताहिक ड्रिल कराने का कहा है, मतलब कि आप साप्ताहिक इन्हें प्रैक्टिस भी करवाते रहो। वर्तमान में सेवारत होमगार्ड्स को आपदा मित्र की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया है। अगर यहाँ पे पूरी खबर आप पढ़ोगे तो वर्तमान में प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड है, लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात है, इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। इसका मतलब मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्देश देते हुए 2 चरणों में बोला है कि 21,000 की भर्ती आप 2 चरणों में करवाओ। आपदा मित्र के प्रशिक्षण के बारे में बोला है कि उन्हें दक्ष मैन पावर चाहिए, और इसलिए उन्हें क्या किया जाए कि आपदा मित्र को भी, जैसे मान लीजिए कि कहीं अर्थक्वेक आ गया या कुछ आ गया, तो उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, ड्यूटी अपनी देते हैं, और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। अब आपके दिमाग में आता है कि क्या ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड करवाती है, क्या इसके लिए भी जैसे कॉन्स्टेबल की भर्ती आती है, SI की भर्ती आती है, उसमें आपका एग्जाम होता है, वैसे होता है, तो इसमें आपका एग्जाम नहीं होता है। इसे जानने के लिए हम लोग को उत्तर प्रदेश के होमगार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा और वहां से सारी जानकारी लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप मुख्य पृष्ठ पे जाओगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी कि ये होमगार्ड जो है और कुछ नहीं होते, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक अंग होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो ज्वाइनिंग होती है, इनका जो रिक्रूटमेंट होता है, बहुत आसान होता है। कई राज्यों में केवल 8वीं पास लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10वीं पास के आधार पर होमगार्ड की नियुक्ति की जाती है। और इन्होंने अगर आप इनका शासनादेश और आदेश देखोगे तो इन्हें अनुकंपा के आधार पर भर्ती से संबंधित इस PDF को डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको इनके तरीके, किस प्रकार से ज्वाइनिंग दी जाती है, किस प्रकार से इनमें नियुक्ति दी जाती है, उनके बारे में जिक्र किया गया है। ये वो PDF है जिसे 6/9/2010 से चलता है होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु।
चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण, उसके बाद 1/2011 को शासनादेश अपडेट हुआ, होमगार्ड विभाग में अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण, कौन सा चयन बोर्ड होगा और क्या प्रक्रिया होगी, पृष्ठ संख्या 9 पे दिया हुआ है। बाकी मृतक स्थायी और उनका क्या क्या होना चाहिए, होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में ये चीजें होनी चाहिए। और पहले इसमें क्या होता था, इंटरव्यू भी होता था, बाद में इंटरव्यू हटाया गया है, तो इसका भी यहाँ पे बोला गया है। चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार की परीक्षा समाप्त किया जाना, शारीरिक मापतौल समिति द्वारा नहीं कराकर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का मापतौल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराया जाना, पुरुष अभ्यर्थियों के सीना फुलाने पर की जाने वाली माप को हटाया जाना, और अनुशासनिक कार्यवाही अथवा जांच प्रचलित होने पर संबंधित अधिकारियों के स्थान पर महा समादेष्टा यहाँ पे जारी किया गया है। तो अगर इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखें तो पेज संख्या 9 पे आते हैं सबसे पहले, जहां पे ये बताया गया है कि आखिर ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, बाकी सारी चीजें समय समय पे अपडेट होती रही है। और ये है वो पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या 5 पे बोला गया है, इसमें होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती है तो चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण। और इसमें जो अभी तक चला आता है, इसमें शैक्षिक योग्यता आप देखोगे तो हाईस्कूल मांगा हुआ है, आयु जो है वो 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो कांस्टेबल वगैरह में 28 वर्ष 22 वर्ष तक क्या होते हैं, एसआई वगैरह में 28 वर्ष और कांस्टेबल में 18 से 22 तक का ही प्रोविजन है। लेकिन होमगार्ड में अच्छी बात यह है कि अगर उम्र निकल गई है 10वीं पास है तो एक पुलिस कैडर की ही जॉब होमगार्ड में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं, कहीं इधर उधर बेरोजगारी में जी रहे होते हैं या कहीं मंडी में काम कर रहे होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप एक रेपुटेटेड 18 वर्ष से 45 वर्ष तक का आपको मौका मिल रहा है, तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप होमगार्ड के लिए कर लो और इसकी वैकेंसी तुरंत में ही आ रही है। आयु की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 1 जुलाई से की जाएगी। अगर ये जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी माना जाएगा, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आता है तो क्या माना जाएगा, 1 जुलाई इसमें आयु की गणना की जाएगी। इसमें शारीरिक मापतोल में अगर देखो तो ऊंचाई 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना बिना फुलाइए, सीना फुलाने का जो प्रोविजन है अब हटा दिया गया है, अब सीना फुलाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीना फुलाने पर यह हटा दो तो केवल ऊंचाई सामान्य अभ्यर्थी का 167, अनुसूचित जाति का 160 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी जो है उनको 162.6 है। महिला अभ्यर्थी के लिए ये ऊंचाई केवल हाइट जो है 152 है, बाकी कोई प्रोविजन नहीं है। चयन समिति की बात किया जाए तो यहाँ पे पहले क्या होते थे, कमांडेंट जनरल द्वारा नामित जिला कमांडेंट होते थे, अब इसमें नई नियमावली बदल भी सकती है क्योंकि इन्होंने योगी जी ने बोला है कि नई नियमावली अपडेट की जानी चाहिए, तो हो सकता है कुछ प्रक्रिया इसमें बदले। जैसे नियमावली बदलती है मैं आपके सामने सबसे पहले वो नियमावली लेके आऊंगा कि किस प्रकार से आपका चयन होमगार्ड में हो सकता है, इसमें अंक कैसे दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें मेरिट पहले बनती थी, मेरिट शैक्षिक योग्यता के आधार पर होती थी, जैसे क्या होता था कि कोई हाई स्कूल है तो हाई स्कूल को 5 अंक मिलता था, इंटरमीडिएट है तो उसे 3 अंक और मिलता था, स्नातक है तो उसे 5+4 मिलता था, और स्नातकोत्तर है मतलब कि उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो 5+5 अंक यानी कि अधिकतम 10 अंक आपका शैक्षिक योग्यता के आधार पर मिलता है। खेलकूद के आधार पर देखा जाए तो जो स्कूल विद्यालय स्तर पर कोई खिलाड़ी है 1 अंक, जिला स्तर पर 2 अंक, मंडल स्तर पर 3 अंक, राज्य स्तर पर 4, और अगर नेशनल खिलाड़ी है तो वो 5 अंक मिलेगा, मतलब 5 अंक यहाँ पे। तो देखा जाए तो आपका 10 अंक यहाँ पे, 5 अंक यहाँ पे, 15 अंक हो गया। इसके बाद एनसीसी का भी आपका क्या होता है, एनसीसी के प्रमाण पत्र का भी आपको मिलता है। एबीसी कैटेगरी होते हैं मैक्सिमम आपको 5 अंक, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो 3 अंक, और एनसीसी कैडेट प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र स्काउट गाइड है तो 5 अंक, और एनसीसी और भूतपूर्व सैनिक दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, ये का श्रेणी का, एक खास श्रेणी का और एक क्या है, गा श्रेणी का। ठीक, तो अधिकतम आपके क्या है, आपके 5 अंक है। इसमें आपका कैडेट प्रमाण पत्र और एनएसएस प्रमाण पत्र भी होगा स्काउट गाइड का तो 5 अंक, तो अधिकतम 5 यहाँ पे है, मतलब कि आपका टोटल 20 हो गया। और साथ में अगर आपके पास तकनीकी डिप्लोमा होल्डर्स या ट्रेड्समैन ड्राइवर आदि की अधिकतम 10 अंकों के अंतर्गत निम्नानुसार अंक दिए जाते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके पास तकनीकी डिप्लोमा होल्डर है, आपके पास डिप्लोमा है ठीक है टेक्निकल का या ट्रेड्समैन है तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा दिया जाता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर मैकेनिक प्लंबर आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 10 अंक एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका आपका कितना हो गया, अगर देखा जाए तो 10 अंक यहाँ पे हो गया, उसके बाद 5 अंक आपका यहाँ पे हो गया खिलाड़ी का, 15 हो गया, फिर आपका 5 अंक यहाँ पे हो गया, 20 हो गया, और 10 आपका क्या होता है डिप्लोमा वालों को मिल जाता है यानी कि आपका 30 अंक हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए
उपरोक्त इसमें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रमाण पत्र धारकों को 7 अंक मिलते हैं, तो अधिकतम आपका 10 ही है, यानी कि 30 अंक हो गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभिन्न ट्रेड्स के अनुभवी निपुण एवं विभिन्न व्यवसायिक कार्यों जैसे राजमिस्त्री हो गया, टेलर हो गया, धोबी हो गया, कुक, नाई, मोची, माली, टेलीविजन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्राथमिक चिकित्सा, फाइटिंग, नर्सिंग, तैराक, कारपेंटर आदि में दक्ष कुशल अभ्यर्थियों को 5 अंक इन्हें भी मिलते हैं, ऐसा नहीं 10 नहीं मिलते बट 5 इनको भी मिलेंगे। ऐसे अभ्यर्थी को अपने ट्रेड व्यवसाय में दक्ष एवं न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान, नगर निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विधान सांसद, राजपत्रित अधिकारी से अथवा संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण कार्यानुभव प्रदान करने वाली संस्था वर्कशॉप के प्रबंधन से प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा, जिसका चयन समिति किसी संदेह के स्थिति में सत्यापन कराएगी। ठीक है, चयन समिति ऐसे ट्रेड्समैन की व्यावसायिक दक्षता का समुचित कार्यात्मक परीक्षण टेस्ट लेने के बाद ही उन्हें निर्धारित अंक प्रदान करेगी, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है कि पुरुष अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी, दौड़ गोल परिधि में ना कर खुली सड़क पर कराई जाएगी तथा चयन समिति के सदस्य उक्त परीक्षा सही तथा निष्पक्षता पूर्वक लेना सुनिश्चित करेंगे। दौड़ हित अभ्यर्थी को दिए जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे, अगर 10 मिनट में आप 2 किलोमीटर दौड़ लेते 5 अंक, 8 मिनट में तो 7 अंक और 6 मिनट में तो 10 अंक, यानी कि अधिकतम 10 अंक यहाँ पे होगा, टोटल 40 नंबर हो गया। यही महिला अभ्यर्थियों को भी यही क्या करना होगा, 500 मीटर की दौड़ करना होगा, 2.5 मिनट, 3.5 और 4 मिनट में अधिकतम 10 अंक यहाँ पे भी, तो 40 नंबर ये हो गया। उसके बाद वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास भारी वाहक चालक है तो 5 अंक और हल्के वाले हैं LMB है तो आपका 3 अंक, यानी कि आपका क्या हो गया 45 नंबर हो गया। और साक्षात्कार का भी 5 अंक पहले दिया जाता था, तो ऐसे में टोटल आपका 50 अंक की परीक्षा होती थी और यह आपका कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, ये आपके शैक्षिक अर्हता के आधार पे, आपके फिजिकल के आधार पे, आपके इंटरव्यू के आधार पे, आपके पास NCC का कोई प्रमाण पत्र है उसके आधार पे और आपके पास डिप्लोमा या फिर कोई ट्रेड का सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपका टोटल 50 अंक होता था। बीच में इन्होंने क्या किया, अगर पेज नंबर आप 15 पे आओगे तो इन्होंने क्या किया, वो सीना मापने वाला और क्या किया, और इन्होंने जो बोल सकते हो कि साक्षात्कार था वो उन्होंने क्या कर दिया था, वो हटा दिए थे। लेकिन अभी नियमावली फिर से बदलेगी जैसा कि योगी जी ने बोला है, तो नियमावली के आधार पर हो सकता है कि इसमें लिखित परीक्षा का भी प्रोविजन दे दिया जाए, वैसे चांसेस कम है लिखित परीक्षा होने के, तो ये तो नियमावली आने पे ही हम लोग कर पाएंगे। होमगार्ड स्वयंसेवक एवं आवैतिक अधिकारियों की रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में महोदय ये सारी चीजें हैं निष्पक्ष, और पहले क्या करते थे कमांडेंट करते थे, अब क्या करते CMO के द्वारा गठित किया जाता है और तमाम चीजें इसके बारे में वही जानकारी दी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 42,000 होमगार्ड के पद आ रहे हैं जिसमें आपको 2 चरण में होंगे, 21,000 मतलब 21,000 आपका 24-25 में होगा और 21,000 पद की भर्ती आपकी 25 और 26 में होगा, तो 2,033 तक देखा जाए टोटल अगर देखा जाए तो जितने वैसे 1,38,000 के आसपास पद टोटल क्या हैं स्वीकृत हैं होमगार्ड के, जिसमें से 76,000 आपके हैं और 76,000 ही रिक्त पद हैं, तो 76,000 में आपके 42,000 अभी भर लेंगे, फिर हर साल 4,000 आपके खाली हो रहे तो उस हिसाब से आएगा। अब 21,000 हर साल तो नहीं आएगा, हर साल थोड़ा कम आएगा, बट आने वाले 2 सालों में 21,000 पद होमगार्ड के आएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रही है। तो भाई अगर आप लोग इसके लिए भी उत्सुक हो तो इसमें आप लोग अपने भाग्य को आजमा सकते हो, थोड़ी रनिंग वनिंग की मांगती है, बाकी नियमावली आने पे सारी जानकारी नियमावली में क्या नया अपडेट आता है मैं आपको जरूर दूंगा, और जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई भी इससे संबंधित प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिए। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।